जुडिशियल सर्विस और LLB समस्त एग्जाम से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस के जजमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हाय फ्रेंड, दिस इज आसिम फ्रॉम लॉ फैकल्टी डीयू। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस द लैंडमार्क केस ऑफ IPC व्हिच इज मेंशन इन आवर केस मैट। केस का नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेज नारायण सिंह। ये 1989 का केस है और ये जो केस है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे बेस्ड है। तो अब इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि फर्टिलाइजर्स मोमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973 और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के सेक्शन 3 और सेक्शन 7 के माध्यम से ये प्रोविजन किया जाता है कि फर्टिलाइजर्स को बिना परमिट के एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो इस केस में होता क्या है कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाते हुए एक लॉरी की जब चेकिंग होती है तो उसमें फर्टिलाइजर्स बिना परमिट के बरामद किए जाते हैं। तो इस ग्राउंड पे लॉरी ड्राइवर और कूली को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है। तो जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में लॉरी ड्राइवर और कूली का कंटेंशन ये होता है कि उनको इस बात की जानकारी थी ही नहीं कि लॉरी में फर्टिलाइजर्स भी हैं, और इसके अलावा उन्हें इस एक्ट के प्रोविज़न के बारे में भी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने जानबूझ करके इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट नहीं किया है। तो यहाँ पे मेंशिडिया उनका है ही नहीं, गिल्टी माइंड है ही नहीं, इसलिए उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। तो इस केस का इशू ये है कि क्या इस केस में जो लॉरी ड्राइवर और कूली हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के सेक्शन 7 क्लॉज 1 को ऑब्जर्व करती है, जिसमें लिखा गया है इफ़ एनी पर्सन कंट्रावेंस वेदर नोइंगली इंटेंशनली और अदरवाइज एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन 3 के तहत दिए गए किसी भी ऑर्डर को अगर कोई भी आदमी नोइंगली यानी कि जानबूझ करके, इंटेंशनली यानी कि पूरी इंटेंशन के साथ, और अदरवाइज, तो ये जो अदरवाइज है उसमें अनइंटेंशनली भी इंक्लूड होता है, तो अगर कोई अनइंटेंशनली भी वायलेट करता है तो उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहती है कि ये जो सेक्शन 7 क्लॉज 1 जो है उसके माध्यम से लेजिस्लेचर जो है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इम्पोज कर रही है, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मेंस रिया का कोई भी रोल नहीं होता है, यानी कि आप गिल्टी माइंड के साथ आप वो एक्ट कर रहे हो या फिर बिना गिल्टी माइंड के एक्ट कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एक्ट किया है और वो एक्ट जो है वो ऑफेंस के डिफिनेशन में आता है तो फिर आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये कहती है कि आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तहत प्रोसिक्यूट किए जाओगे और लॉरी ड्राइवर और जो कूली होता है उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है और जेल जाना पड़ता है उनको। तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।